सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74। ए बी पार्टनर है, शेयरिंग जो प्रॉफिट लॉस की जो रेशियो है वो रेशियो है 3:2। कहता है सी को क्या कर लिया उन्होंने, एडमिट कर लिया कितने के लिए, 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। और मिनिमम सी को क्या दे दी, गारंटी दे दी कि जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा एट द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर के जो अकाउंट है वो क्लोज किए गए तो फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 54,000। तो फाइंड आउट करो कि शेयर जो प्रॉफिट है वो कैसे ए बी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट कितना हुआ आपको, 54,000। कहता है इसमें जो हिस्सा दिया जाएगा सी को, सी को क्योंकि ए बी जो पार्टनर थे वो किस रेशो में पार्टनर थे, 3:2 में। सी को नया पार्टनर ऐड कर लिया और उसको कितना प्रॉफिट देंगे, 1/6। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 54,000। तो इसका 1/6 किसके पास चला जाएगा, ये तो सी के पास चला जाएगा क्योंकि उसको इतने का तो आपने प्रॉफिट दिया है शेयर के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9,000। 9,000 किसको दोगे आप, सी को दोगे, बाकी कितना बच गया आपके पास। अगर हम बात करें 54,000 को डिवाइड करें किससे, अगर हम बात करें 6 से तो कितना आएगा, 9,000। अब हम बात करें 54,000 आपका टोटल प्रॉफिट था, इसमें से 9,000 तो सी के पास चला गया, तो रिमेनिंग कितना बच गया आपके पास, 54,000 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 45,000। और ये आपने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये आपकी जो ओल्ड रेशियो थी वो की रेशियो क्या थी, 3:2। तो 3:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5। तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 9,000 आ जाएगा एक पार्ट के अंदर। तो इसके हिस्से में कितने जाएंगे, इसके हिस्से में जाएंगे 27,000 और इसके हिस्से में कितने जाएंगे, 18,000। ठीक है, तो हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट कितना हुआ था, 54,000। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर कौन है, ए है, बी है और ये सी है। ए को कितने मिलेंगे, 27,000, और अगर हम बात करें बी की कितने मिलेंगे, 18,000। सी की बात करें तो कितने मिलेंगे, 9,000। अब देखो गारंटी दी गई किसी को, कहता है सी को गारंटी दी गई थी कि आपका जो 1/6 शेयर रहेगा ना वो कम से कम आपको 10,000 मिलेंगे, लेकिन इस भाई साहब को तो कितने मिले हैं, सी को 9,000। तो इसको एक 1,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपने जिसने गारंटी दी है। गारंटी क्वेश्चन के अंदर साइलेंट है कि गारंटी कौन दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों से चार्ज कर लेंगे, ए से बी से। और वो किस रेशियो में, जिस रेशियो में ये प्रॉफिट शेयर करते हैं, रेशियो क्या है इनकी, 3:2। तो 1,000 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 600 और 400 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 600 किससे चार्ज करेंगे, ए से, इससे ए से कितने चार्ज करेंगे, 2C, सी की फेवर में कितने, 600, और इस बी से कितने करेंगे, 4 400, 2C कितने, 400 रुपये। ठीक है, और कहाँ आ जाएंगे, ये सी के हिस्से में आ जाएंगे, कहाँ से आएंगे, फ्रॉम ए और फ्रॉम बी। ए से कितने आएंगे, 600 और बी से आएंगे 400। तो इसके हिस्से में कितने आ जाएंगे, अब टोटल हो जाएंगे इसके हिस्से में 10,000। और अगर हम बात करें बी के हिस्से में 400 कम हो गए तो कितना आ जाएगा, 17,600। नेक्स्ट अगर हम बात करें ए के हिस्से में कितने रह जाएंगे, 26,400। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 54,000, और ये भी कितना हो जाएगा, 54,000। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखोगे, ए बी सी, हाँ ए बी और ये सी, क्या लिखोगे, बाय बैलेंस बी डी, यहाँ कैपिटल आती है, कैपिटल क्वेश्चन साइलेंट है। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कितना है यहाँ पर, 26,400। नेक्स्ट में कितना है, 17,600। थर्ड के अंदर कितना आया, 10,000। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, 21,600, यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका, 21,600, 21,600 या 26,400 आएगा यहाँ पर, 26 और ये कितना आ जाएगा, 400, 26,400। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका, 26,400, यहाँ क्या आ जाएगा आपका, 10,000, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 10,000 और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 10,000, यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 17,600 और यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 17,600,
यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 17 और ये 600। ठीक है, तो आपने इस तरह से क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।